फर्स्ट ऑर्गेनाइजर, ये देखो कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसा हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के बज गए हैं 2 और अभी मैं अपना ब्लॉग वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं अपने सारे पुराने नए सभी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो आपको मेरे चूड़ी ऑर्गेनाइजर से लेकर रिलेटिव देखने को मिलेगा। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी मैं पहले अंश को दे देती हूँ खाना, क्योंकि अभी वो सो के उठा है तो उसको खाना खाना है। तो चलो उसको खाना, हाँ तो अंश को पहले खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना सारा सामान, मतलब कि जो भी मेरी चूड़ी है ना, उस सब को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि मैंने पूरा इधर उधर रख दिया है। मतलब कहीं भी जाती हूँ तो पहनती हूँ, उसके बाद फिर जिस डब्बे में समझ में आता है उसमें डाल देती हूँ जल्दी जल्दी से। तो सारा इधर उधर है, यहाँ पर देखो एक थैले में ही भी मैंने यहाँ पर अपना चूड़ी भर के रखा है, जो कि पूरा इधर उधर बिखर गया है। तो इस सबको अच्छे से सेट करके, ऑर्गेनाइज करके, अच्छे से सभी को मैं यहाँ पे जमा लूँगी। और यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे ही खुला में ही निकाल के रख दिया था, तो यहाँ पे एक पन्नी में भी है, और भी देख लेती हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा तो। और थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल में है, जो कि डेली यूज़ के लिए रखी थी, लेकिन उसमें का ना सारा ख़राब हो चुका है, तो उसको साइड करके मैं यहाँ पर किनारे में रख दूँगी। और कुछ और भी थोड़ा बहुत है तो उसको भी वहाँ से ले आते हैं, उसके बाद फिर सभी को अच्छे से मस्त ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो चलो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, और आगे आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप ना कोई भी डब्बा वगैरह कभी यूज़ कर सकते हो चूड़ी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, यानी कि रखने के लिए अच्छे से जमा के रख सकते हो। तो यहाँ पे ये था हमारा लास्ट, तो ये देख सकते हो इतना सारा मेरा चूड़ी इकट्ठा हो चुका है, जो कि पूरा इधर उधर रखाया था तो टाइम पर मिल नहीं पाता था और समझ में नहीं आता था कि एक कलर का है मेरे पास कि नहीं। इकट्ठा कर लिया है, अभी मैं इसको सबको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। और आप लोगों को भी बताने वाली हूँ कि मतलब अगर आपके पास चूड़ी ऑर्गेनाइजर नहीं है तो किस तरह से जुगाड़ से आप अपने लिए चूड़ी ऑर्गेनाइजर बना सकते हो। फर्स्ट तो ये मीशो वाला है, इसको मैंने एक दो बार शायद आप लोगों के साथ शेयर किया है, मीशो से मंगाया था, जिसमें का इसमें का आधा से ज़्यादा चूड़ी में पूरा बेकार वाला है, मतलब ऐसे ही रख दी हूँ। तो अब इसमें का सारा चूड़ी निकाल कर जो मेरे अच्छे अच्छे चूड़ी है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ उसी को यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ। और ये देखो मैं कैसे रखती हूँ अपना चूड़ी इस तरह के थैले में, ऐसे ही ला के पूरा भरती हूँ सारा चूड़ी, इसको भी आराम से एकदम आराम 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 से निकालना। बस हो गया, तो अभी यहाँ पे सभी को मैं बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारा सारा चूड़ी इकट्ठा हो चुका है, अब इसको अच्छे से जमाते हैं, मतलब सारे जो भी कलर का है ना उसको एक साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं मेरे पास ना ज़्यादातर कि मैं कुछ इस तरह से प्लेन वेलवेट वाला चूड़ी यूज़ करती हूँ, जो कि सभी साड़ियों का कलर रहता है, मतलब साड़ी के कलर के हिसाब से मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। तो ज़्यादातर कि मेरे पास वेलवेट वाला चूड़ी ही है। तो चलो सब ना इधर उधर हो गया है, मतलब उसका कलर उधर इधर हो गया है, और कई तो मेरे पास ऐसा है, मतलब मैं रख के भूल गई थी कि मेरे पास ये वाला चूड़ी है करके, और फिर से मैंने उसको ले लिया है। तो इसको ना इस बार अच्छे से ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना मीशो वाला जो मैंने मंगाया था इसमें रखूँगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट वाला है, मतलब ऊपर से ही नज़र आ जाएगा कि कौन से कलर का मेरे पास यहाँ पर चूड़ी है करके। तो चलो फटाफट से इसमें का तो आधा चूड़ी ख़राब हो चुका है, तो उसको भी मैं यहाँ पे साइड में रख दूँगी, कोई काम का नहीं है। और यहाँ पे देखो ये सारा वेलवेट वाला मेरा ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से जमाते हैं सारे कलर की चूड़ी को, फिर हम मिक्स एंड मैच करके अच्छे से पहनेंगे। तो चलो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा।
हो, यहाँ पे एक लाइन पे हमने ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। यहाँ पे हमारा सेकेंड लाइन भी रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से मैं केवल प्लेन प्लेन वाला वेलवेट वाला चूड़ी है ना उसको रख रही हूँ। उसके बाद ये चूड़ी है जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, अभी पैकेट में बंद था तो मैंने इसका बीच का जो कवर था वो निकाल दिया है ताकि अच्छे से इसके अंदर चला जाए, और फिर इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा तीन लाइन का चूड़ी ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। अब बारी है चौथे लाइन की। तो चौथे लाइन में ना अब तो प्लेन वाला चूड़ी ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं अपने कंगन रखने वाली हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक और लाइन लगा दिया है चूड़ी का, जो कि सिल्वर कलर का मेरा बच गया था, जो डिब्बे में रखा था वो वाला। तो यहाँ पे हमारा चार लाइन रेडी है। अब पांचवा यहाँ पे मैं अपने कंगन रखने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर है। और आपके साथ मैंने अपना चूड़ी कंगन कलेक्शन शेयर किया था, तो आप लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हो। और कैसे मिक्स एंड मैच करके पहने वो भी वीडियो YouTube में है मेरा चैनल में, तो आप लोग जाके देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा एक ऑर्गेनाइज़र पूरी तरह से रेडी हो गया था। तो आप इस तरह के ना जहाँ से आप जनरल स्टोर पर कुछ भी सामान खरीदते हो ना, चूड़ी वगैरह, वहाँ पे आपको इस तरह के डब्बे आसानी से मिल जाएंगे। और ये डब्बा मेरी शादी का है, तो मैंने अपने शादी का चूड़ा लिया था ना उसमें मुझे मिला था, लेकिन ये मेरे शादी का चूड़ा नहीं है, इसको मैंने अभी अभी लिया है। लेकिन इसमें मेरा शादी का चूड़ा आया था, और चूड़ा का तो पूरा मैंने इधर उधर मिक्स मैच करके पहन लिया है, लेकिन हमारा ये डब्बा अभी भी है। तो ये देखो कुछ इस तरह का है, दो पार्टीशन में। तो आप घर पे भी बना सकते हो इसी तरह के डिब्बे। बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग खुद ही घर में कैसे चूड़ी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। और यहाँ पे ये देखो मैंने अपने चूड़ा का भी क्या हाल कर दिया है, मतलब पूरा इधर उधर बिखेर दिया है। तो अभी मैं इसको भी ऑर्गेनाइज़ करने वाला, अच्छे से सेट करने वाली हूँ। तो चलो मैंने यहाँ पे एक और अपना बॉक्स रेडी कर लिया है चूड़ी ऑर्गेनाइज़ करके, जमा के अच्छे से। अब इसको भी रखते हैं। तो आप अगर ना चूड़ी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो इस तरह के डिब्बे का भी यूज़ कर सकते हो। ये डिब्बा मेडिसिन वाले हैं, जो कि मेडिकल स्टोर से मुझे मिला था, मतलब हम लोग लेके आए थे मेडिकल स्टोर से। और ये देखो कुछ इस तरह से, जिसमें मेरे सारे कंगन बहुत ज़्यादा अच्छे से आ चुका है। और फाइनली आपको दिखाते हैं मेरे सारे चूड़ी ऑर्गेनाइज होकर रेडी हैं। तो अभी आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने अपना चूड़ी कैसे ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से जमा के रख दिया है। और अभी आ चुकी हूँ किचन में, शाम का टाइम हो चुका है, काम करते करते शाम हो गया था। और यहाँ पे हमारा चाय बन के रेडी है। सो गाइस अभी रात का टाइम हो, तो यहाँ पे हमारे रात का खाना बन चुका है। अभी हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी, जिसके लिए अभी मैं यहाँ पे टमाटर अपना भूनने वाली हूँ गैस पे। तो मेरे पास टमाटर भूनने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जो रोटी निकालने वाला रहता है ना, पूड़ी वगैरह, तो उसको यहाँ पे मैंने ले लिया है, और उसमें मैं यहाँ पे अपना टमाटर भून लिया है। और आज हम टमाटर की चटनी अक्सर हम लोग सील में पीसते हैं, तो यहाँ पे हमारा सील में मैंने धनिया, मिर्च और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपना चटनी पीस लेंगे। और रात हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है, तो चलो फटाफट से अपना चटनी पीसना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरह से मैंने अपना चटनी पीस रही हूँ। तो हमारा धनिया और मिर्च पीस चुका है, और यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ टमाटर। तो टमाटर आप भुनने से पहले ही धो ले, भुनने के बाद मत धोइएगा, क्योंकि भुनने के बाद धोने से पूरा उसका स्वाद है वो चला जाता है। और आज आपको वॉइस ओवर में गाड़ियों का भी आवाज़ सुनाई देगा, क्योंकि आज मैं लास्ट वाले रूम में हूँ, तो सामने में रोड है और खूब ज़्यादा वॉइस हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।